कैसा लगा? अच्छा लगा। खुश हो? रेड लिपस्टिक मिली ही नहीं, मैं रेड लिपस्टिक लगाती नहीं, मैं पहनी नहीं। अमन हट जाएगा फ्रेम में से। ये आड़े पड़े हैं तेरे। कोई है, बाद में खोलूंगी। बहुत ज्यादा लाउड है यार। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's the reception day. So, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते, let me tell you, मेरे कजिन की शादी थी एंड हो गई मतलब, एंड सगन वाले फंक्शन में मैं बहुत लेट हो रही थी, शूट नहीं कर पाई। उसके बाद हल्दी मेहंदी, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, ज़्यादा कुछ हैवी मेकअप नहीं था। एंड शादी थी मेरठ में, तो ऑब्वियसली वहाँ मैं इतना शूट नहीं कर पाई, जो भी गेट रेडी विद मी था। बट दिस टाइम आज लाइक अब मैं शूट करने वाली हूँ, बिकॉज रिसेप्शन वाले दिन मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो आज मैं पूरा ट्यूटोरियल शूट करने वाली हूँ। ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज मैं फाइनली अपना रिसेप्शन का लहंगा पहन रही हूँ। उसका ब्लाउज बहुत टाइट हो गया था, सो मैंने थोड़ा सा लूज कराया, उसमें काफ़ी पैसे लग गए मेरे, बट चलो कोई नहीं। सो अभी तो दिन का टाइम है, रिसेप्शन है रात को, तो मेकअप तो मैं रात को करने वाली हूँ। मैं जस्ट नहा के आई हूँ, तो मुझे एक क्विक सा रूटीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बिकॉज आजकल आप देख सकते हो आई हैव एक्ने एंड आई हैव सेंसिटिव स्किन एज वेल। तो जो भी लोग कहते हैं ना हमारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, हमें कुछ रिकमेंड करो जो सेंसिटिव स्किन पे वर्क करे। हम ऐसा फेस वॉश यूज करते हैं, स्किन रेड हो जाती है, हम वो सनस्क्रीन यूज करते हैं, हमें एक्ने निकल आते हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसे प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ जो शॉर्ट शॉर्ट आपकी सेंसिटिव स्किन को सूट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लेंजर की, बिकॉज स्किन के अगर स्टेप नंबर वन क्या होता है, क्लेंजिंग। सो क्लेंजिंग के लिए मैं आपको एक अच्छा फेस वॉश रिकमेंड करने वाली हूँ, जो स्पेसिफिकली बना है सेंसिटिव स्किन के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द डर्माकोट 2% नायसिनमाइड ऑयली स्किन क्लेंजर। सो इसमें ना दो वेरियंट आते हैं, एक आता ऑयली स्किन के लिए, एक आता ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए। मैं आजकल जो यूज कर रही हूँ वो है ऑयली स्किन वाला, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है आप इनका ड्राई स्किन वाला वेरियंट भी यूज कर सकते हो। 100% सो फ्री क्लेंजर है ये, काफी अच्छे से ऑयल, डर्ट, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको हटाता है, लेकिन हमारी स्किन को स्ट्रिप ऑफ नहीं करता, ड्राई नहीं बनाता। ये डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव क्लेंजर है, विच इज आइडियल फॉर सेंसिटिव स्किन। इफ आई टॉक अबाउट द इंग्रीडियंट्स इन दिस वन, इट हैज 2% नायसिनमाइड, विच वी ऑल नो इज एन अमेजिंग इंग्रीडियंट, विच एनहांसेस प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ आर स्किन बैरियर, स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करके चलता है। फिर इसमें सीका है जो मॉइस्चराइजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टी है, सूथ करता है कोई भी तरह की स्किन इरिटेशन को। देन इट हैज सेरामाइड कॉम्प्लेक्स एज वेल, जो मॉइस्चर को लॉक करके चलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें सैल्सिलिक एसिड भी है, विच इज वेरी नाइस BHA, जो टारगेट करता है ओपन पोर्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स, ब्लैक हेड्स के साथ। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी नाइस फेस वॉश। मेरी जैसी स्किन है, एक्ने प्रोन है, ऑयली और काफी बार सेंसिटिव भी हो जाती है, अगर कोई प्रोडक्ट रिएक्शन हो जाता है फिर आपको ट्रीटमेंट कराते हो, उस केस में ओवरऑल दिस इज अ वेरी नाइस क्लेंजर। सो ये क्लेंजर मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, माई स्किन इज स्क्वीकी क्लीन नाउ। नाउ कमिंग टू SPF। अब जब सेंसिटिव स्किन की बात आती है ना, काफी लड़कियां कहती है हमने वो SPF लगा ली, हमें एक्ने निकल आए, हमें रैशेज हो गए, हमें बहुत ज़्यादा टीयरी आइज हो गई, जो होता है काफ़ी बार हो जाता है। सो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगाओ। अब जब हम मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन की बात करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा व्हाइट कास्ट दे देती है, या फिर ऐसा होता है कितनी केकी हो गई है, पूरा फेस वाइट हो जाता है। बट लेट मी टेल यू, दिस मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन इज जस्ट परफेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द डर्माको SPF 50 विद PA++ अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन। इसमें 25% जिंक ऑक्साइड है, ऑयल फ्री है, इट हैज़ नो व्हाइट कास्ट, बहुत अच्छे से ये स्किन में ब्लेंड हो जाती है। दिस इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट, आप देख सकते हो मैं 2 फिंगर रूल के हिसाब से लगा रही हूँ, और कितने अच्छे से ये स्किन में ब्लेंड हो गई है, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं आई। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, स्वेट रेजिस्टेंट है, एंड मिनरल सनस्क्रीन है ना, तो ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। ऑयल फ्री फॉर्मुलेशन है, तो पूरे दिन बिल्कुल भी आपकी स्किन में से ऑयल नहीं निकलेगा। जिंक ऑक्साइड एक बहुत अच्छा माइक्रोफाइन मिनरल सनस्क्रीन फिल्टर होता है, जो प्रोवाइड करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्रॉम UVA एंड UVB। सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम डर्माकोस ऑफिशियल वेबसाइट। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 20% ऑफ। एफिलिएट कोड नहीं है, मैं इससे कुछ अर्न नहीं कर रही, दिस इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब भी आप डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हो, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर विद अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक यू ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। सो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। अदरवाइज आपको बाकी वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं सारे जो भी लिंक्स होंगे नीचे रिसेप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डू चेक इट आउट। अब थोड़ा जरा तैयारी करते हैं रिसेप्शन के आउटफिट की, बिकॉज मुझे ज्वेलरी नहीं पता, मुझे अभी ज्वेलरी निकालनी है, और थोड़े बहुत सामान मैं पहले ही रेडी कर लेती हूँ, बिकॉज ड्रॉअर में ना फिर ऐसे मिक्सअप हो जाता है। सो आई एम गोना कीप एवरीथिंग, लाइक लेंस कौन से पहनने हैं, लैशेस कौन सी पहननी है, सब कुछ मैं निकाल के रखने वाली हूँ, सो दैट आई एम रेडी ऑन टाइम। सो अभी थोड़ा सा लंच वंच करते हैं, उसके बाद फिर हम तैयार होना शुरू करेंगे, बिकॉज काफ़ी दूर जाना है। सो या टाइम पर तैयार होना है, लेट्स गो।
Okay, let's get started with makeup. Number one are lenses. I am wearing these fresh look lenses in the shade Pure Hazel. ये काफ़ी natural लगते हैं, not at all fake. वो जो नागिन वाली आईज होती है ना, वो इसमें नहीं लगती. मुझे पर्सनली वो वाले लेंसेज इतने ज़्यादा नहीं पसंद. इन फैक्ट मैंने तो अपनी शादी पर भी यही वाले लेंसेज पहने थे. काफ़ी प्रिटी है लगते हैं. और ये पावर्ड लेंसेज हैं बिकॉज मेरा आईज का नंबर काफ़ी हाई है. एंड आप देख सकते हो थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ. आई डोंट नो इस बार क्या हुआ, मेरे से लेंसेज नहीं पहने गए. काफ़ी स्ट्रगल फील हुआ और आप देख सकते हो आंसू भर भर के आए हैं. बट दिस इज़ अ डिफरेंस. कैन यू सी लेफ्ट एंड राइट आई में हल्के से एक ब्राउनिश टिंट आता है जो बहुत प्रिटी लगता है. अब करने वाली हूँ मॉइस्चराइज. आई एम यूजिंग दिस एम्ब्रियोलिस की क्रीम जो सारे टॉप मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं. मैंने भी इसलिए ली थी बिकॉज मैंने इतनी हाइप सुनी थी इसकी. बट द हाइप इज रियल. मतलब ये कुछ डिफरेंट साइड क्रीम है. इट इज़ वेरी वेरी लाइट. अगर आपकी ड्राई स्किन होगी तभी भी सूट कर जाएगा, ऑयली स्किन होगी तभी भी सूट कर जाएगा. सो इट्स लाइक फॉर ऑल स्किन टाइप. अगर आप श्योर नहीं हो ना अपनी स्किन टाइप के बारे में, ये वाला मॉइस्चराइजर ले लो. और मैं इसको स्पेसिफिकली संभाल के रखती हूँ जब ऐसे मैं वेडिंग पार्टी मेकअप करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो मैं इसको स्पेशल ओकेजन पर ही यूज़ करती हूँ. एंड मैं पूरे टाइम अपने पति से बातें कर रही थी बिकॉज ही इज़ अ टॉकेटिव पर्सन, आई एम अ टॉकेटिव पर्सन. और काफ़ी बार तो बातें करते करते प्रोडक्ट दिखाना भूल गई. बाद में याद आया कि प्राइमर दिखाया है नहीं. दिस इज़ द प्राइमर, नायका का प्रेप मी अप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. ये प्रॉपर एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो अच्छे से पोर्स फिल इन कर देता है. जो भी मेरे एक्ने हैं, पोर्स हैं, स्कारिंग है, अच्छे से फिल इन हो जाती है. और मॉइस्चराइजर और प्राइमर के बीच में थोड़ा सा गैप दिया करो. और प्राइमिंग के बाद भी मैं थोड़ा सा गैप देती हूँ, एक या दो मिनट रुकती हूँ. अब मैं कर रही हूँ कलर करेक्ट. ये यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड कैरमल. ये बहुत अच्छा एक ऑरेंज कलर है जो बहुत अच्छे से कलर करेक्ट करता है मेरी स्किन को और बिल्कुल भी डार्क डार्क नहीं लगता. आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका एक ऑरेंजिस टिंट आ रहा है. मैं डेफिनेटली इसको रीपर्चेज करने वाली हूँ. जब से मेरे पास ये रिसीव हुआ ना पीआर में, मैं इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ. एंड यू कैन सी मेरी डार्कनेस, जितने भी डार्क स्पॉट्स थे वो काफ़ी अच्छे से कंसील हो गए. अब मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा स्पेशल पार्टी बेस हैक. तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टेल ऑर्डर का फाउंडेशन. यू रिमेंबर जब मैंने फाउंडेशन लिया था मैंने बोला था बिल्कुल सूट नहीं कर रहा बिकॉज मुझे इसको यूज़ करना नहीं आता था. अब मुझे इसका एक कंकॉक्शन बनाना आ गया है. सो एस्टेल ऑर्डर का फाउंडेशन लिया और ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है. इट इज़ मोर लाइक अ एल्यूमिनेटर. और मैं ये मैक का ना स्टूडियो रेडियंस प्राइमर पहले लगाना भूल गई थी. सो मैं इसी में मिक्स करने वाली हूँ. सो अगर आपको लगे आपका फाउंडेशन हमेशा क्रैक हो रहा है, वो एक अच्छी फ्लॉलेस फिनिश नहीं आ रही, तो आपने रेगुलर फाउंडेशन में ऐसे वाले एल्यूमिनेटर या फिर कोई भी एक स्टूडियो, जैसे स्टूडियो रेडियंस वाला प्राइमर है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, ये मिक्स कर सकते हो. सो इन तीनों को जब मैंने मिक्स किया ना, बहुत अच्छा कंकॉक्शन बनता है और इससे बहुत ब्यूटीफुल बेस निकल के आता है. मेरा एस्टेल ऑर्डर फाउंडेशन का शेड है 2W2 रैटन आई थिंक. मैं जितनी भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ देख लेना. सो मेरा फाउंडेशन लगाने का थोड़ा तरीका अलग है. मैं वो फैंसी वे में नहीं लगाती. मैं हमेशा फिंगर से सबसे पहले डैब डैब करके हर जगह अप्लाई करती हूँ. अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से पिक करोगे वो सारा सोकअप कर लेगा. ब्रश से पिक करोगे तो अगेन स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे. सो मैं अच्छे से पहले डैब डैब करके फिर ब्रश से उसको ब्लेंड करती हूँ. एंड ब्रश से इतना ब्लेंड भी नहीं करती, सबसे पहले उसको स्प्रेड कर देती हूँ पूरे फेस पे. एंड लास्ट में मैं ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करती हूँ. जितना भी एक्सेस मेकअप होता है फिर वो निकल भी जाता है और एक बहुत फ्लॉलेस बेस निकल के आता है. बाय द वे दिस मेकअप रूटीन इज लिटरली नो फिल्टर एंड नो रिंग लाइट. बिकॉज जब भी हम रिंग लाइट के सामने शूट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एकदम स्टार्क लाइट्स होती हैं और बहुत फ्लॉलेस दिखता है मेकअप. लेकिन इस बार मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की लाइट्स ही यूज़ करी हैं, इसलिए आपको हल्का सा डार्क भी दिख रहा होगा. बट इसमें जो आपको मेकअप दिख रहा है ना, दिस इज़ रियलिटी. आपको टेक्स्चर्स भी दिखेंगे, मेरे एक्ने मार्क्स भी दिखेंगे. रियल मेकअप ऐसा ही दिखता है. सो ये है के ब्यूटी का कंसीलर. ये लाइटर शेड का कंसीलर है. इसका शेड मैं नीचे डाल दूंगी. इससे मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ और रिवर्स कॉन्टोरिंग. जॉ लाइन के नीचे एक लाइट कंसीलर लगाना मींस रिवर्स कॉन्टोरिंग. इससे मेरी जॉ लाइन और डिफाइन हो जाती है. अब मैं लगा रही हूँ ब्लश. जब भी ऐसे पार्टी मेकअप होता है मैं हमेशा लिक्विड ब्लश प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग होता है. ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश इन द शेड यू गॉट मी ब्लशिंग. काफ़ी नेचुरल ये लगता है. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लश. इसको ज़्यादा भी लगा लोगे ना तभी भी लाउड नहीं लगता. अब आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो. काफ़ी टाइम से रखी थी मैंने, एक बार ही यूज़ करी थी लेकिन प्रॉपर नहीं करी थी. दिस इज़ द फॉर एवर फ्लॉलेस एफिनिटी वन. ये नायका की जब सेल आती है ना आपको 50% ऑफ पे मिल जाती है. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. अब जो मैं अपना रिसेप्शन का लहंगा दोबारा पहन रही हूँ उसमें बहुत अच्छा एक न्यूड चैम्पेन कलर है. तो मैं वैसा कुछ आई शेडो करने वाली हूँ. सबसे पहले एक स्किन कलर लिया, उससे आईज पे अच्छे से अप्लाई कर दिया. आपको सारे आई शेडो पैलेट में ना एक लाइट स्किन कलर मिलता है तो उससे पहले अपनी आईज को सेट कर लिया करो. जैसे मेरी बहुत ऑयली आईलिड्स हैं तो मैं पहले सेट करती हूँ. अब मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया, सबसे पहले आउटर कॉर्नर में जो एक्सेस है वहाँ पर लगा दिया और फिर उसको अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ ताकि बहुत अच्छी सी क्रीज बन पाए, एक एल्यूजन बनता है डीप क्रीज का. एंड उसको अंदर तक मैं ड्रैग करती हूँ. सेंटर में और अंदर डार्क कलर नहीं लगाना, मैं खाली बाहर लगा के उसको ब्लेंड कर देती हूँ. एंड मैं सामने मिरर में देख के मेकअप कर रही हूँ बिकॉज पार्टी का मेकअप ऐसे नहीं होता. अब मुझे ये काफ़ी टाइम से यूज़ करना था, वैसे चलो अब यूज़ करके देखते हैं. ये काफ़ी चंकी वाले ग्लिटर्स हैं. दीज आर प्रेस्ड ग्लिटर्स बाय द वे. इसको मैं फिंगर से ही लगाने वाली हूँ, इसमें कोई ग्लू व्लू की जरूरत नहीं होती. सो लेट्स ट्राई इट आउट. एंड आई वॉज शॉक्ड. मतलब
दिस पर्टिकुलर शेड इज अ गेम चेंजर. ये जो ग्लिटर था ना, इसने पूरी आई लुक ही चेंज कर दी. अगर आपको ब्राइडल मेकअप भी करना हो ना, आपको हैवी पार्टी मेकअप खुद करना है, तो आई वुड से ये वाला पैलेट नायका की सेल पर प्लीज ले लेना, बिकॉज इसका शिमर इतना सुंदर है. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और इसके फॉल आउट भी ज़्यादा नहीं हुआ. यूजली ऐसे वाले जो शिमर आप डायरेक्टली फिंगर से लगाओ ना, फॉल आउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, लेकिन इसका नहीं हुआ. अब मैं पैक की लैश ग्लू ले रही हूँ, जो मैंने जस्ट उसे एक दिन पहले मंगाई थी और सुबह सुबह रिसीव भी हो गई थी नायका से. मैंने इस बार ब्लैक कलर की लैश ग्लू मंगाई है. पहले मैं पैक की व्हाइट वाली यूज़ करती थी. ब्लैक वाली से क्या होता है, जो मेस होता है वो कम दिखता है. और ये मार्स के आई लैशेज हैं इन द शेड नेचुरल फ्लटर, काफ़ी प्रिटी लैशेज हैं. 99 की आती हैं, वर्थ द प्राइस. थोड़ा सा उसको ड्राई होने देते हैं, फिर मैंने कट कर ली, बिकॉज अंदर और बाहर कुछ एक्सेस होता है. अपनी आई से मेजर किया करो और कट करके फिर लगा लिया करो. वैसे कट पहले करना चाहिए, लेकिन मैं कट करना भूल गई थी, तो मैंने ग्लू लगाने के बाद कट किया. एंड ये तो मैंने काफ़ी पार्ट एडिट आउट कर दिया, बट ऑलमोस्ट मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे पूरी लैशेज ढंग से लगाने में, बिकॉज मेरे से लैशेज नहीं लगती. आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट फाइनली मेरे से लग गई. अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये टैटू स्टूडियो मेबलिन का काजल. ये एक जेल बेस्ड काजल है, तो बहुत प्रिटी लगता है. आज मैं बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट वाला मेकअप कर रही हूँ, जैसे वो भी नीचे काजल फिलिंग करके उसके बाद आई शेडो को स्मच करते ना, वैसे वाला मेकअप कर रही हूँ. ये हुडा ब्यूटी का सैंडेज पैलेट में से मैं एक न्यूड पिंक शेड उठाया, उसके बाद उसको मैंने ब्लेंड कर दिया, सो दैट वो जो काजल है वो थोड़ा सा एक स्मोकी लुक दे. नीचे एक प्यारी ब्राइडल लुक आती है. एंड आई एम डन. आई एम सॉरी, इस वीडियो में थोड़ी लाइटिंग ऑफ हो गई. मुझे रिंग लाइट वैसे यूज़ करनी चाहिए थी, बट पता नहीं मुझे उस दिन स्ट्राइक क्यों नहीं किया, बट चलो कोई नहीं. दिस इज़ द कोलोसल काजल. इससे मैं लैशेज, नेचुरल लैशेज और जो मैंने फॉल्सीज लगाई हैं, उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर रही हूँ. जब आप ऐसे मस्कारा लगाते हो ना, दोनों लैशेज आपस में एक स्टिक हो जाती है और नेचुरल लुक देती है. ये है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट, जिसके अंदर काफ़ी सारे शेड आते हैं. एक वाइट कलर का जो है ये वैक्स है, बाय द वे, इससे आप अपने आईब्रो सेट भी कर सकते हो. अदरवाइज आपको तीन शेड मिलते हैं, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, और मैं इसमें से ये ग्रेइश कलर यूज़ करने वाली हूँ. ये एक लौता ऐसा पैलेट है जिसमें मेरी आईब्रो का परफेक्ट शेड है, वरना जब मैं ब्लैक लगा लेती हूँ मेरी आईब्रोज बहुत डार्क डार्क लगती हैं. ब्राउन लगाती हूँ तो दिखता है, मैंने कुछ ब्राउन कलर का पिगमेंट लगाया, बिकॉज मेरी वैसे ब्लैक है आईब्रोज, लेकिन ये जो ग्रे कलर है ना इस पैलेट में, ये ब्यूटीफुल है. अगर आप भी कन्फ्यूज हो ना आईब्रो में क्या फिल इन करना चाहिए, आप ये स्विस ब्यूटी का पैलेट ले लो, इट इज़ परफेक्ट. अब जो मैं ये स्टेप कर रही हूँ, मुझे पहले करना चाहिए था. आई शेडो लगाने से पहले बेकिंग करनी चाहिए थी, ताकि कोई फॉल आउट हो तो फिर मैं उसको वाइप ऑफ कर पाऊँ. यूजली लोग आईज़ पहले करते हैं, लेकिन मैं आईज़ नहीं पहले करती, बट पता नहीं, आई डोंट नो. मैं हमेशा बेस पर लगाती हूँ फिर आईज़ करती हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कि मुझे आईज़ में क्या करना है, तो रिस्क वाला फैक्टर नहीं होता. बट ये जो बेकिंग है ना, ये पहले करनी चाहिए थी, मैं भूल गई थी, सो मैंने बाद में कर ली. मैंने अंडर आइज़ पे लूज़ पाउडर लगाया, ये हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर है, वेरी वेरी नाइस, और बिलो द जॉ लाइन. और इसको मैं लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, सो दैट ये एरिया पूरा अच्छे से सेट हो जाता है, बाद में वाइप ऑफ कर देती हूँ. अब जो पूरी लुक है वो काफ़ी ड्रामेटिक निकल के आई है, प्लस मेरा लहंगा भी हैवी है, तो मैंने सोचा बाल एकदम स्ट्रेट रखते हैं, थोड़ा एक बैलेंस आउट हो जाता है. यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ अपनी रेड लिपस्टिक, बिकॉज मेरे पति ने कहा था रेड लिपस्टिक ही लगानी है. सो रिसेप्शन पर जब मैंने रेड लिपस्टिक लगाई थी, ही लव्ड इट, बिकॉज मैं रेड लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगाती. उसने आई थिंक मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा रिसेप्शन पर रेड लिपस्टिक में, एंड ही सेड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो आज भी रेडी लगानी है दोबारा. सो देयर यू गो, मैं ये मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, मैग्नेटिक मजेंटा शेड है. और मुझे रेड लिपस्टिक नहीं मिली, मेरे पास एक या दो शेड ही है, मुझे दोनों ही नहीं मिले, तो मैंने क्या किया, ये मैक की पिंक वाली लगा ली, आई थॉट रेड का लुक ही देगी. और ये मैं कीरो ब्यूटी का हाईलाइटर लगा रही हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रॉन्जी सॉर्ट ऑफ हाईलाइटर, बहुत अच्छा, मतलब मेरे टोन में काफ़ी ब्यूटीफुली सूट करता है. इसमें दो शेड है, मैं मिक्स करके लगाती हूँ. अब ये पिंक शेड मुझे लाउड लगा, तो मैंने मार्स की न्यूड लिपस्टिक लगा ली, कि हल्का सा इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं. एंड दिस हैपेंड, रेड लिपस्टिक नहीं मिल रही, मैंने पिंक लगा ली. ठीक है, पिंक अच्छी लगी, पिंक अच्छी लगी, पिंक पूरा वाइब किल कर रही है. अच्छा लगा, अच्छा लगा, खुश हो. रेड लिपस्टिक मिली ही नहीं, मैं रेड लिपस्टिक लगाती नहीं, मेरे पास है ही नहीं. दो लिपस्टिक है मेरे पास, रेड मेबलिन मैक की, ना मैक की मिल रही है ना मेबलिन की मिल रही है. फाइनली मुझे रेड लिपस्टिक मिल गई. एक तो मैक की सारी पैकेजिंग लिपस्टिक्स ही सेम होती है ना, तो मिलती नहीं है. फाइनली मुझे रूबी वू मिल गई, विच इज़ लाइक द परफेक्ट रेड कलर. तो मैंने पूरी वाइप ऑफ करी क्यू टिप से, और फिर लगाई मैक की रूबी वू, विच इज़ लाइक द परफेक्ट रेड शेड, जो सुंदर लगता है. मेरे पास एक मेबलिन की भी है, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी. एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक. लेट मी नो आपको ये लुक कैसी लगी. रैंडमली करा, बट होल लुक काफ़ी सुंदर निकल के आई. आई लव्ड इट. ज्वेलरी, ये ज्वेलरी सेट बाय द वे मैंने अमेजोन से लिया. अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चेक कर लेना. एंड या दिस इज द फाइनल लुक. लेट मी नो आपको कैसी लगी. मोमेंट्स लेटर एंड आई एम बैक. दिस इज हाउ माय मेकअप लुक्स लाइक. अमन हट जाएगा फ्रेम में से, ये आड़े पड़े तेरे कोई है, बाद में खोलूंगी.
एंड आई एम बैक. दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक. क्वाइट इंटैक्ट लैशेज, एकदम मस्त हैं. पिगमेंट मेरा बिल्कुल भी नहीं हिला. प्रेस्ड ग्लिटर, वेरी इंप्रेस्ड विद दिस वन. ये तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी. दिस इज अ मस्ट बाय. ग्रैब इट, जब भी सेल आएगी ग्रैब दिस वन. एंड लिपस्टिक हल्की फुल्की उड़ गई बिकॉज ऑब्वियसली, बट अदरवाइज द होल बेस इज नाइस. आई लव इट. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आज यूज़ करें सबकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड जस्ट इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू. नहीं, मैं अपना पेट नहीं दिखा रही. बहुत टॉर्ट मिली है मुझे आज, मोटी हो गई मैं. चलो कोई नहीं, बाय.